में कुल 9 जगहों पर टीकाकरण होगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि राजधानी के सभी बड़े अस्पतालों में वैक्सीनेशन होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी और इसके लिए पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। कोरोना आया, कोरोना के बाद लोगों को इंतजार था वैक्सीन का, और अब जो पहली खेप है वो दिल्ली पहुंच चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप। देखिए, दिल्ली में तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन जो फर्स्ट फेज में लगाया जा रहा है, 89 हम सेंटर्स बनाए हैं जो कि सभी हॉस्पिटल्स में है, और 16 तारीख से इनको लगाना स्टार्ट किया जाएगा। और वैक्सीन की फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है अभी पहुंच चुकी है, बाकी एक दो दिन में सारी आ जाएगी। तो सर, ये जो 89 जगहें चिन्हित की गई हैं, इसमें कितने दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल हैं और कितने केंद्र सरकार के हॉस्पिटल हैं? देखिएगा, हॉस्पिटल्स ज़्यादातर बड़े हॉस्पिटल्स ही लिए गए हैं, और ये अलग अलग से, तो मैं आपको पूरी लिस्ट दे देता हूँ। दिल्ली सरकार के लगभग 30 से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं, केंद्र सरकार के 6-7 हैं। सर, सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा, उसके बाद फ्रंट लाइन पर काम करने वाले जो लोग हैं। आम लोगों के लिए जब ये वैक्सीनेशन होगा तो सर किस तरीके से उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा और क्या कुछ जरूरी चीज़ें उन्हें वहाँ दिखानी होंगी? देखिए, रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट होगा। जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो उनसे कोई ना कोई आईडी प्रूफ मांगा जाएगा। जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन किया गया तो आईडी प्रूफ के साथ किया गया। दिल्ली का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ दीपक रावत जुड़े हुए हैं। दीपक, ये तस्वीरें तो हम देख रहे हैं जो आज इतिहास में दर्ज हो रही हैं, लेकिन दिल्ली में किस तरह की तैयारी है? तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं प्रीति, और इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं वही कोल्ड स्टोरेज रूम बनाया गया है, जहां